लर्निंग एंड ट्रेनिंग हेड एट इंडस हॉस्पिटल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सुखसर आयरन रतन की। दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर अनीमिया पेशेंट्स। अगर बात करें हमारे सुखसर प्रोडक्ट्स की, तो ये हमारे हर्बल केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हर्बल हैं, प्लांट बेस्ड हैं, ऑर्गेनिक हैं एंड नॉन स्टीरॉयडल हैं। अगर अब हम बात करें हमारे प्रोडक्ट सुखसर आयरन रतन की, जो मैंने आपको बताया कि अनीमिक पेशेंट के लिए है, तो सबसे पहले बात करते हैं अनीमिया क्या होता है। अनीमिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज जो कि बहुत कॉमन है लेडीज में और बच्चों में। मेल्स और फीमेल्स में हो जाती है, बट बहुत कॉमन है ये फीमेल्स में, क्योंकि प्रेग्नेंट वीमेन्स में या लैक्टेटिंग वीमेन में। तो अगर अनीमिया में होता क्या है, अनीमिया में रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन काइंड, हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन वो कैरी करते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन इस आरबीसी में है या रेड ब्लड सेल्स में, इट इज रिस्पॉन्सिबल कि वो जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में लंग्स से पूरी बॉडी पार्ट्स को वो सप्लाई करते हैं। अब इस ऑक्सीजन का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है बॉडी में कि वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब वो बॉडी पार्ट्स में जाता है तो उन बॉडी पार्ट्स को एनर्जी सप्लाई करता है, एंड देन दैट इज द रीजन कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो फंक्शन करते हैं, एंड देन इट गिव्स अस एनर्जी टू द बॉडी। ये भी बताना चाहूंगी कि जो हीमोग्लोबिन है बोन मैरो में बनता है विद द कॉम्पोनेंट एक मिनरल के साथ में जो आयरन है, तभी हम बोलते हैं कि खून की कमी हो गई है पेशेंट में, अनीमिया हो गया है, यानी कि आयरन लेवल या हीमोग्लोबिन लेवल उसमें कम हो गया है, आरबीसी कम हो गए, सो दिस इज अनीमिया। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स अनीमिक पेशेंट में क्या आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि फटीग, वीकनेस, लेग क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, डिजीनेस होता है, पेशेंट जो होता है एनीमिक पेशेंट होता है वो अलर्ट नहीं रह पाता है, एंड देन लाइट हेडेडनेस, बॉडी में क्रैम्प्स, आपकी बॉडी में पेन होती है, वीकनेस मैंने आपको बोला कि होती है, एंड देन जो मेन प्रॉब्लम उसमें आती है डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट या एनोरेक्सिया हो जाता है, या फिर मेटाबॉलिज्म रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड, एब्जॉर्प्शन फूड की वो बहुत पुअर हो जाती है। सो दीज वर द सिम्टम्स। अगर अब हम बात करें इस प्रोडक्ट की, हमने बोला कि अनीमिया में ये हेल्प करता है, यानी कि एक तो ये आयरन की एब्जॉर्प्शन, जो मैंने आपको बोला कि आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है बोन मैरो में बॉडी में, सो आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी आमला हमने डाला है जिससे विटामिन सी लेवल बढ़ जाता है, विटामिन सी के कारण ही आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड देन हीमोग्लोबिन लेवल ये बॉडी में रेज करता है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल बॉडी में रेज होगा तो आरबीसी का जो काउंट है वो अपने आप बॉडी में इंक्रीज कर जाएगा। सो दिस प्रोडक्ट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आयरन एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीजिंग द रेड ब्लड काउंट सेल इन द बॉडी, देन इट रिड्यूसेस द सिम्टम ऑफ अनीमिया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आयरन रतन, जो सुखसर आयरन रतन है, इसके रेगुलर कंजम्पशन से, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत सेफ है, लैक्टेटिंग वीमेन के लिए बहुत सेफ है, बच्चों के लिए बहुत सेफ है, तो उनमें ये सब सिम्टम्स कम हो जाते हैं, जैसे कि उनको वीकनेस हो रही है, लेग क्रैम्प्स पड़ रहे हैं बच्चों को, देन वीकनेस, फटीग होने लग जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है अनीमिया के कारण, तो वो सब सिम्टम्स को ये कम करता है। अगर अब मैं बात करूँ इसके इंग्रीडियंट्स, तो इसमें हमने 15-20 काइंड ऑफ हर्बल हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं, जो कि बहुत सेफ है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, एंड देन अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ तो इसमें हमने अश्वगंधा, आमला, गिलो, गोखरू, देन सुंड, मगा, ये सब चीजें हमने इसमें डाली है। और इन सब इंग्रेडिएंट्स का ये फायदा है कि एक तो जैसे मैंने बोला कि विटामिन सी लेवल बॉडी में बढ़ जाता है बिकॉज आमला इज देयर, देन इम्यूनिटी बॉडी को प्रोवाइड करता है, बिकॉज एनीमिक पेशेंट में बहुत देखा है हम लोगों में कि जो इम्यूनिटी है बॉडी का, जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, वो बहुत पुअर हो जाता है, जिसके कारण कि जो हमारा पेशेंट है वो प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन के लिए, बहुत जल्दी उसको इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। अगर उनका लेवल जो हीमोग्लोबिन का बॉडी में है वो रेगुलर रहता है, ये भी बताना चाहूंगी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल मेल्स और फीमेल्स में कितना होता है, मेल्स में इट इज 14-16 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फीमेल्स में इट इज 12-14 ग्राम्स पर डेसीलीटर। अगर इससे हीमोग्लोबिन लेवल लो होता है, जो कि हमें सीबीसी काउंट जो डॉक्टर्स करवाते हैं चेकअप के टाइम पे, उसमें हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम आता है तो इसका मतलब पेशेंट इज अनीमिक। तो अगेन, तो इन इंग्रेडिएंट्स का यही बेनिफिट है कि एक तो ये डाइजेशन में बहुत, मतलब कि उसको डाइजेशन को नॉर्मल कर देते हैं, जो मैंने बोला कि अनीमिया में पेशेंट को प्रॉब्लम आ जाती है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलराइज करते हैं बॉडी में, एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन जो फूड की है वो नॉर्मल हो जाती है। और एक और बात बोलूंगी कि दोषस
तीन तरह के दोषस होते हैं हमारी बॉडी में, पीता, कफा एंड वता दोषा। सो पीता दोषा इज द वन जो इन्वॉल्व होता है बॉडी की नॉर्मल डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को रेगुलराइज करने के लिए। सो जो अनियमित पेशेंट है उसमें पीता दोषा में डिफेक्ट आ जाता है। सो आयरन रतन जो हमारा प्रोडक्ट है वो पीता दोषा को भी नॉर्मलाइज करता है। सो दीज वर द बेनिफिट्स एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ सुक्सर आयरन रतन। एज आई हैव मेंशनड इट हैज नो साइड इफेक्ट। और हमने देखा है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिंस हैं हीमोग्लोबिन को रेज करने के लिए, उसमें मेटेलिक टेस्ट होता है, बच्चों को वो पसंद नहीं आता है। तो सुक्सर आयरन रतन का ही फायदा है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बच्चे लेडीज वगैरह बहुत अच्छे से मतलब कि बहुत आराम से इसको ले सकते हैं। देन इसका डोजेज क्या है, 2 to 5 ml बच्चों को आप दे सकते हैं 1 या 2 चम्मच खाने के बाद में, और अडल्ट्स के लिए 5 to 10 ml 1 या 2 चम्मच खाने के बाद में। अब इस प्रोडक्ट को हम कैसे ले सकते हैं, इस प्रोडक्ट को आप या तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर हमारा Amazon या Flipkart पे भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू अनीमिया, उससे रिलेटेड कोई डिजीज है या फिर आयरन रतन के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में या फील फ्री टू कॉल अस एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच।